भाई अब न्यूक्लियस बनाने जा रहे हैं। सेल का जो मेन पार्ट होता है उसके लिए हमें एक राउंड शेप सर्कुलर शेप बनाना है, एक रफ सर्कुलर शेप। पेंसिल से इसलिए बना रहे हैं ताकि बाद में इसमें पोर्स पोर्स के लिए जगह छोड़नी होती है। न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो ग्रीन कलर से हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। एक थिक लेयर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तीन से चार पोर्स होते हैं हर सेल में, हर सेल के न्यूक्लियस में। उसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर इस टी शेप के कुछ आकार बनाने, इन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस टी के ऊपर और भी टी बना सकते हैं क्योंकि एक लंबा जाला जाता है। इनके ऊपर स्पाइंस होते हैं छोटे छोटे, क्योंकि स्पाइंस में पोर्स होते हैं, इन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। टी के ऊपर भी ऐसे पोर्स होते हैं, सिंपल जैसे पॉइंटेड बनाते हैं, हमारे राइबोसोम्स हैं। उसके बाद हम न्यूक्लियोलस बनाते हैं, एक रफ सर्कल। जिस तरह सेल का मेन पार्ट लाइफ जो न्यूक्लियस होती है, उस तरह न्यूक्लियस का मेन पार्ट न्यूक्लियोलस होता है, जिसकी लाइफ कह सकते हैं। उस न्यूक्लियोलस से जुड़े होते हैं हमारे क्रोमेटिक थ्रेड्स या क्रोमेटिक फाइबर्स, जिसके अंदर क्रोमोसोम जीन्स होते हैं। जिस तरह सिंपल घास बनाते हैं हम सीनरी में, या फिर टेंटिकल्स जो हमने पिछली वीडियो में देखे थे, उस तरह के लंबे लंबे टेंटिकल्स थोड़े ये हमारे क्रोमेटिक फाइबर्स होते हैं। ये हमारे न्यूक्लियर पोर्स हो गए, स्पेसिंग होती है, यहाँ से ये एयर इंटेक करता है, ये गैपिंग्स होती है। ये हमारा न्यूक्लियर फ्लूइड हो गया, ग्रे कलर में से कर सकते हैं, डॉट डॉट भी करा जा सकता है सर। न्यूक्लियर फ्लूइड में सेटिंग करने के बाद हम न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्ट में थोड़ा रेडिश ऑरेंज कलर कर देते हैं, डॉट में भी। तो इस तरह हमारा न्यूक्लियस बनके तैयार हो गया। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।